साल 2024 में 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इस दौरान जानवरों को भोजन करवाने का विशेष महत्व है। वहीं पितृपक्ष में कौए को भोजन कराना पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कौआ यमराज का दूत है और उसे पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। जब पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन करवाया जाता है तो यह संकेत माना जाता है कि पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिली है। वहीं अगर आपको कौवे नहीं मिल रहे हैं तो आप गाय या फिर कुत्ते को भोजन करवा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुत्ते और गाय को भोजन करवाना धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखता है। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसे पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में गाय को भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्ञात है कि पितृपक्ष आ रहा है और पितृपक्ष में सभी लोग अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं। हाँ, पितृपक्ष में अगर कौए नहीं मिल रहे हैं तो इनके हिस्से का भोजन गाय को या कुत्ते को खिला सकते हैं। अगर ये भी न मिले तो इनके हिस्से का भोजन कोई नहीं खा सकता, क्योंकि कौवा जो है तो अगर इनकी मृत्यु कौवा की मृत्यु हमेशा अचानक होती है और कौवा जब एक भी कौवा अगर झुंड में और कौवा हमेशा झुंड में मरता है और अगर एक कौवा जो है झुंड में मरने के बाद अगर कौवा एक भी मर जाता है तो उसके जो बाकी सारे कौवा होते हैं उस दिन भोजन नहीं करते। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।